सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है व्लॉग, मैंने इफ्तारी से पहले का ही व्लॉग है, ठीक है। शाम का टाइम था और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाले वाले आलू, और जो है समोसा निकाल के रख दिया था फ्रीज़ में से, और माँ ने जो है फ्रूट्स काट के फ्रीज़ में रख दिए थे, शरबत बना के रख दी थी। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना मैं आलू बना लेती हूँ मसाले वाले, क्यों कहना पे कि पप्पा को जो है ना वो शाम के टाइम या फिर आलू जो है ना वो मसाले वाले, या फिर जो है वो तीखे आलू, ठीक है, और या फिर जो है ना वो चने होते हैं ना वो मसाले वाले, वो ज़्यादा ही कुछ पसंद है घर के। तो फिर जो है ना आजकल हम लोग जो है ना वो घर में कुछ खाना, मतलब सालन और चावल तो बनाते ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे कुछ इफ्तारी में कुछ ज़्यादा कर लेती हूँ कि रात को खाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर सहरी जो है ना वो अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना आलू मैंने कम ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं तो आलू मुझे अच्छे लगते ना, कितना कुछ खास जो है ना वो पसंद नहीं है। लेकिन अन्ना पे के पप्पा को अगर रोज़ाना दो ना तो वो रोज़ शौक से खा लेते। तो यहाँ पर बस इनके लिए जो है ना वो आलू रेडी कर रही थी, और फिर यहाँ पर इमली भी जो है ना वो मैंने रखी हुई थी, अब बस इमली ऊपर से डालूंगी। और आलू तो जो है ना वो तैयार ही थे, बस इमली डालना है और ऊपर से हरा धनिया जो है ना वो गार्निश करना है बस। तो ये जो है ना मसाले वाले आलू बहुत ही अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। बाहर के आलू जो होते हैं ना वो पीसी हुई लाल मिर्च इतनी ज़्यादा कुछ डली हुई होती है ना, वो इतने कुछ खास खाए नहीं जाते। तो फिर अनाबे के पापा ने कहा कि आप जो है ना वो घर में ही बना लिया करो। तो अनाबे भी शौक से खा रही होती है, अनाबे के पापा भी शौक से खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हरा धनिया मैंने गार्निश कर लिया, आप देख सकते हैं आलू की शक्ल। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आलू की रेसिपी तो नहीं दी है, बस ये आप लोगों ने दिखा रही कि आज जो है ना वो आलू बनाए। यहाँ पर ऑयल गरम रख लिया है क्योंकि गैस जो है ना वो शाम को आ जाता है ना, तो क्या करती हूँ फिर जो है ना वो समोसे मैं बना के रख दूँगी। आज समोसे भी जो है ना माशाल्लाह से ख़त्म हुए, क्योंकि शुरू के रोज़ों में बना के रखे हुए थे और आज जो है ना वो ख़त्म हो गए फाइनली। और पानी पूरी जो है ना मेरे पापा लेकर आए थे, दही बल्ले लेकर आए थे, वो मैंने फ्रीज़ में रख दिए थे। और पानी पूरी जो है ना मैं शौक से खा रही होती हूँ, रोज़ इफ्तारी में जो है ना मैं ज़्यादा पानी पूरी खा रही होती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें आलू भी मेरी तैयार ही है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ आलू की शक्ल जिनको पसंद होंगे वो उनके तो मुंह में पानी ही आ रहा होगा आलू, है ना। तो चलो यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैं समोसे जो है ना वो कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद जो है ना मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने रोज़ा रखा है, मैंने रोज़ा नहीं रखा, अनबे को शर्म भी नहीं आ रही है, खा रही है सबके सामने, देखो अनबे क्या खा रही है, बबली 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 खा रही है, बबली बबली। सब व्यूअर्स सुख लो, फ्रेश भी करूंगी अना पे को, फ्रेश अना पे कौन सा ड्रेस पहनेगी अना पे, पीछे हो जाओ, क्या पहनोगे अना पे, कैसे। और इन दोनों की लड़ाई झगड़ा तो इतना होता है ना, इतना होता है इन दोनों के बीच में, बस लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अनावे है ना, अनावे जी 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 चलो फिर बना लो। Thank you.
पे जो है मेरे समोसे फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद जो है फ़ौरन से इफ्तारी कर लेनी है। और रात को जो है ना हमें बाज़ार भी जाना है, क्योंकि रवि के पापा को मैंने कहा था कि मुझे ना अबाया लेना है न्यू, तो मुझे आप है ना बाज़ार लेके जाना रात को। तो हम रात को जो बाज़ार भी जाएंगे, और हो सकता है मैं शूट करूँ या ना करूँ, क्योंकि देखते हैं बाज़ार का मतलब वहाँ का क्या माहौल होगा। वैसे तो मेरी कज़न ने यही कहा था कि बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि मेरी कज़न्स लोग जो है ना वो 2 दिन से बाज़ार जा रही हैं, तो उनको उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा रश है। और इफ्तारी में जो है ना देखिए आप लोग, इफ्तारी में ये कुछ सामान था और इफ्तारी हम कर रहे थे, और आ जाइए आप लोग भी इफ्तारी करने के लिए हमारे साथ। तो फिर जो है ना मेरी कज़न ने कहा कि बहुत ज़्यादा रश है, तो फिर हम लोग फ़ौरन से चले गए थे इफ्तारी के बाद। लेकिन फ़ौरन से भी कुछ काम होते, बर्तन धोने के होते, दूध गर्म करने का होता है, फिर रोहान को तैयार करो, अनाबे को तैयार करो, खुद फ्रेश हो। तो फिर वही मुझे 9:45 बज गए, सिस्टर को भी चलना था, तो फिर इस वजह से अब पहले इफ्तारी कर लेते हैं। अनाबे के पापा ने यही कहा कि फटाफट जो है ना वो चलने की करना, लेकिन जितना भी जल्दी करो ना फिर भी लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट हम इफ्तारी कर लेंगे, उसके बाद देखो मैं रेडी कर रही हूँ। रोहान को मेरे हाथ में इतना शदीद दर्द हो रहा था कलाइयों में, तो मैंने अनावे के पापा को कहा कि आप जो है ना रोहान की पैंट जो है ना वो ऊपर कर दे। रोहान की पैंट देखो, रोहान को ना फिट हो गई माशाल्लाह से पैंट, या फिर जो है रोहान हेल्दी हो गया। लेकिन न्यू पैंट है, इतनी पुरानी भी नहीं है ना, ये छोटी है। और रोहान के पापा को देखिए आप कुछ कह भी रहे हैं। आगे आगे से आगे से आ जाओ रोहन, शर्ट लेकर आओ, रोज मम्मा शर्ट पहना देंगे। रोहन मम्मा शर्ट पहना देंगे, रोहन शर्ट लेकर मम्मा शर्ट पहना देंगे। रोहन शर्ट लेकर आओ, शर्ट पहनाएगी मम्मा। चलो अनावे के पापा ने जो है ना वो पैंट तो पहना दिया, अब शर्ट्स मैं पहनाऊंगी। तो यहाँ पर उल्टी शर्ट्स पहन रही है भाई साहब देखें। तो यहाँ पर ये रोहान रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, रोहान की शर्ट्स जो है ना वो छोटी है, तो मुझे चेंज करनी चाहिए। फिर मैंने रोहान की शर्ट्स भी जो है वो चेंज कर ली थी, अनावे को जो है ना हाथ ही हाथ तैयार कर लिया था। और फिर उसके बाद जो हम फटाफट जो है ना वो बाज़ार जाने की हम लोगों ने की। और ये देखो इस भाई साहब को जो है ना वो खुशबू लगानी होती है, पाउडर बोलूँ रोहान आप है ना पाउडर लगा लो, लेकिन नहीं पाउडर नहीं लगाना है इनको, परफ्यूम या इतर लगाने को बोलो तो इतना शौक, देखो खुश कितना हो रहा है, पता है ना कि जाना है। और फिर यहाँ पर जो है ना हम लोग इतने में बाज़ार से आ गए थे, और बाज़ार में मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। और आने के बाद थे ना मम्मा के घर, हम लोग ने सहरी की थी, ये देखें अनवे के पापा जो है ना वो सहरी लेकर आ गए थे। और बाज़ार में रश था नहीं था ये मैं आपको आगे इस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये थी सहरी, और जो कि रोहान को शर्ट भी देखो मैंने चेंज कर ली, आ जाइए आप लोग भी सहरी करने के लिए। तो आज जो है ना चने पराठे थे, और यही थी आज की वीडियो। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ज़रूर बताइएगा अंडे छोले किसको पसंद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।